जी सर बताएं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बताना चाहेंगे सर? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग ऑन ए शॉर्ट नोटिस. थोड़ा लाउड सर. थैंक यू ऑल फॉर कमिंग ऑन ए शॉर्ट नोटिस. आज हम आप लोगों को क्रिकेट टूर्नामेंट जो हमारा क्लब करवा रहा है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने के लिए हम लोगों ने आपको बताया है कि थोड़ा लोगों के बीच में अवेयरनेस जाए. तो मैं आपको थोड़ा उसके बारे में आइडिया दे देता हूँ. जी, वी ऑन बिहाफ ऑफ स्टार क्लब गोइंग टू ऑर्गेनाइज दिस टूर्नामेंट एंड द नेम ऑफ द टूर्नामेंट इज स्टार प्रीमियर लीग. अबाउट द इवेंट, फर्स्ट प्राइज जो है टूर्नामेंट में वो 1,00,000 रुपये है विनर का. सेकेंड प्राइज जो रहेगा रनर अप के लिए वो 51,000 है. इसके अलावा मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज़, टूर्नामेंट, वो सब चीज़ें भी बीच में ही हैं. अच्छा, जो हमारे पास जो टीम्स आ रही हैं वो टोटल 8 टीम्स आ रही हैं हमारे पास, और जो 8 टीम्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स से हमारे पास आ रही हैं. थोड़ा मैं आपको उसके बारे में डिस्क्राइब कर देता हूँ. हमारे पास एक टीम जो आ रही है वो जमशेदपुर से आ रही है, स्टील सिटी जमशेदपुर. दूसरी टीम जो हमारे पास है वो राजस्थान जयपुर से आ रही है. तीसरी टीम है हमारे पास दिल्ली से. चौथी टीम महाराष्ट्र से. पांचवीं यूपी से. फिर उसके बाद एक झारखंड से, और उसके बाद हरियाणा से. तो हमारे पास 6-7 डिफरेंट स्टेट्स से टीम्स आ रही हैं जिसमें रणजी लेवल और आईपीएल लेवल के प्लेयर्स खेलने वाले हैं. तो जो इसमें जो प्लेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो रणजी लेवल के तो हैं ही, इसके अलावा रेलवेज़ में खेले हुए हैं, विजय हजारे अंडर 19 इंडिया, अंडर 19 स्टेट्स के लिए खेले हुए हैं. तो डेफिनेटली ये जो पूरा इवेंट होने जा रहा है ये एक सुपर इवेंट होने जा रहा है. दिल्ली से चंडीगढ़ के बीच में जो बेल्ट है, इस तरह का टूर्नामेंट पहले नहीं हुआ है जो इंटर स्टेट लेवल पे हो रहा है और जहाँ पे रणजी लेवल के प्लेयर खेलेंगे, और पॉसिबली एक दो टीम में आईपीएल के प्लेयर भी खेलेंगे. इसके अलावा हमारे पास कुछ स्पॉन्सर्स हैं, तो हमारी तरफ से उनको भी थैंक यू है. जो मेन स्पॉन्सर्स हैं हमारे पास है कुछ डिग्निटीज़ को हम लोगों ने इनवाइट किया है, उनके टाइम के हिसाब से वो लोग हमारे को और ब्लेस करने के लिए टूर्नामेंट में अवेलेबल रहेंगे. इसके अलावा डेट्स क्या रहने वाली हैं इसकी? टूर्नामेंट की जो डेट रहेंगी वो 25 फरवरी से 5 मार्च रहेंगी. 25 को 2 मैच रहेंगे, उसके बाद फाइनल 5 मार्च को एक फाइनल मैच रहेगा. कहाँ पर होना है सर ये टूर्नामेंट? कहाँ होना है ये टूर्नामेंट? राणा ब्रदर्स क्रिकेट अकेडमी, मेरठ रोड, नियर शुगर मिल, करनाल में. कब से कब तक किया जाना है सर ये? 25 फरवरी से 5 मार्च के बीच में. और कितने लोगों के बैठने की व्यवस्था है? लगभग हम उम्मीद कर रहे हैं कि 1,000 के आसपास. कोई भी आ सकता है सर देखने के लिए? कोई भी आ सकता है? नहीं, इसमें एंट्री चार्जेस कुछ नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है. एनीबॉडी कैन कम एंड एंजॉय द टूर्नामेंट. सर पहले भी कभी जो है करवाए जा चुके हैं स्टार क्लब की तरफ से ऐसे टूर्नामेंट, या पहली बार किया जा रहा है? स्टार क्लब इस लेवल पे पहली बार करवा रहा है. इसके अलावा हम लोग एक दो छोटी छोटी सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे लास्ट ईयर हम लोगों ने ट्री प्लांटेशन किया था. बेसिकली जो हमारा क्लब है वो एक सोसाइटी है जो इस टाइप की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहता है. तो सर ये क्या क्या जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइस क्या कुछ रहेंगे इसके अंदर? फर्स्ट प्राइस 1,00,000 रुपये है विनर का, उसके बाद रनर अप के लिए 51,000 है, और मैन ऑफ द मैच और दूसरे अवार्ड तो हैं. अलग अलग स्टेट्स की टीमें आ रही हैं, तो मैच क्या डे नाइट रहेगा या? नहीं, मैच ये सारे डे में चलेंगे. क्या टाइमिंग रहेंगे? पहला मैच 9:30 बजे स्टार्ट है, दूसरा मैच 1:30 बजे स्टार्ट है. टीम की सिलेक्शन सर कब की गई थी? सिलेक्शंस भी हुई थी टीम के अंदर से? वगैरह कब से रजिस्टर्ड किए हैं टीम? एंट्रियां इसकी 2 जनवरी से स्टार्ट हुई थी जी, और लास्ट वीक हम लोगों ने इसको क्लोज कर दिया. कितने प्लेयर्स करेंगे पार्टिसिपेट सर? मैडम लगभग 96 के करीब हमारे पास हैं. ओनली बॉयज हैं, गर्ल्स भी हैं? सिर्फ लड़कों का टूर्नामेंट रहेगा. इसमें एज रिस्ट्रिक्शन भी है कुछ सर? नहीं, ओपन कैटेगरी है, एनीबॉडी कैन पार्टिसिपेट. और ये सर सुबह कितने बजे से लेकर शाम के कितने बजे तक मैचेस खेले जाएंगे? हम लोग 9:30 बजे पहली बॉल डलवा देंगे, उसके बाद शाम को पॉसिबली 5 बजे लास्ट बॉल डल जाएगी हमारे हिसाब से. करनाल में मैच हो रहा है, करनाल के कई खिलाड़ी के कितने ओवर के मैच रहने वाले हैं सर? ये कितने ओवर का मैच होगा? ये 2020 क्रिकेट है तो 20 ओवर का मैच रहेगा, और वाइट बॉल कलरफुल ड्रेसेज में हम लोग ये करवा रहे हैं. जी जी, अरेंज करवा रहे हैं क्या? किस तरीके का क्रिकेट टूर्नामेंट होने वाला है और कौन सी डेट से स्टार्ट है ये? एक इंटरस्टेट लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट रहेगा, 25 फरवरी से हम लोग इसको स्टार्ट करवा रहे हैं. बेसिकली ये जो है कि हमारा जो टारगेट है वो एक लेवल सेट करने का है, इसी वजह से हम लोगों ने अच्छी स्टैंडर्ड की टीम्स बुलाई हैं, और एंट्री हमारे पास बहुत सारी थी बट हम लोगों ने फिल्टर आउट करने के बाद उन्हीं टीम्स को सिलेक्ट किया है जो हमें लगा कि एक क्वालिटी ऑफ लेवल को टच करती हैं. तो कहाँ पे होने वाला है ये? ये मेरठ रोड, राणा ब्रदर्स एकेडमी, नियर शुगर मिल, करनाल में. टाइमिंग सुबह 9:30 से शाम के 5 बजे तक, दिन के 2 मैचेज रहेंगे. कहाँ कहाँ से आ रही हैं सर टीमें ये? टीम्स जो हमारे पास आ रही हैं वो जमशेदपुर से है, राजस्थान से है, महाराष्ट्र से है, दिल्ली से है, हरियाणा से है, और झारखंड से है. तो हरियाणा एक यूपी से है. हरियाणा वाली टीम कौन सी शहर से है सर? सर अभी वो डिस्क्लोज नहीं
हो पाएगा जी। क्राइटेरिया क्या है सर एंट्री के लिए? एंट्री का क्राइटेरिया कोई नहीं है। अगर जनता मैच देखना चाहती है तो कैसे एंट्री होगी? ये फ्री ऑफ कॉस्ट है एंट्री, कोई भी आके एंजॉय कर सकता है। किस एज ग्रुप के लोग जो है इस टीम के अंदर रहेंगे, ज्यादा यंग हैं या मिडिल में कैसे? 19 इयर्स से लेके और 30 इयर्स के बीच के प्लेयर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आईपीएल भी खेले हुए कुछ प्लेयर्स जो पॉसिबली है, अभी बात चल रही है टीम्स के साथ, तो 2-3 टीम्स में आईपीएल के प्लेयर्स भी खेलेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो एक टूर्नामेंट है वो करवाया जा रहा है, लगभग 25 तारीख को जो है शुरू होगा और 5 मार्च को जो है ये ख़त्म होने वाला है, जिसके अंदर काफ़ी सारी लगभग 8 टीमें आएंगी और वो सभी 8 टीमें जो हैं उनमें से लगभग फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइज़ जो है वो आएंगे। जो फर्स्ट टीम आएगी उसे लगभग 1,00,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा, उसके बाद 51,000 का जो इनाम है वो सेकेंड जो टीम के लिए उसके लिए रखा गया है। तो यहाँ पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जो हैं जो राणा क्रिकेट अकेडमी है वहाँ पर जाकर जो है इस मैच का जो है आनंद ले सकते हैं। 1,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था भी जो है वो वहां पर की जाएगी। आपसे अपील करेंगे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, फिर जुड़ गए अभी 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।